नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर चंदीला। आप देख सकते हैं तिगाम विधायक राजेश नागर आज यहां पहुंचे हैं और इनका जनसंवाद कार्यक्रम है जो आज पूरे दिन चलेगा। और आप देख रहे हैं तमाम भीड़ यहां पहुंची है राजेश नागर का स्वागत करने के लिए। ये आप देख सकते हैं किस तरह से राजेश नागर का स्वागत किया जा रहा है फतेहपुर चंदीला, जहां आज ये जनसंवाद शुरू होगा और यहां से चलकर देवला महाराज को। और देख सकते हैं आप भड़कल विधानसभा के विधायक सीमा सरकार भी यहां पहुंच चुके हैं। ये देखें और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुंचे हैं। ये देख रहे हैं कि किस तरह से फूल माला डालकर राजेश नागर का स्वागत करते हुए और एक विशाल जनसंवाद रैली आज फतेहपुर चंदीला में। सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हैं, भीड़ तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से विधायक का स्वागत किया जा रहा है, राजेश नागर का स्वागत किया जा रहा है। और इसी तरह पहले भी कई जगह जनसंवाद कार्यक्रम किए हैं राजेश नागर ने, इलाके के आपने देखा था वहाँ पे जनसंवाद कार्यक्रम किए। और आज फतेहपुर चंदीला आज भड़कल विधानसभा में ये जनसंवाद कार्यक्रम है। देख सकते हैं सीमा तिरका, ये देखिए लकड़पुर, मेवला, महाराजपुर, अनकीर और उसके बाद भाकरी, इन तमाम जगहों पे आज जनसंवाद रैली है। रेलवे रोड से होते हुए फतेहपुर चंदीला पहुंचेगी ये रैली, उसके बाद वहां से लकड़पुर, मेवला, महाराजपुर, मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जनसंवाद कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित किया है। भड़कल विधानसभा के सभी गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम सभी लगातार इसी तरह सभी जगहों पर
जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।